देखो भाई आज मैच है अर्जेंटीना और हमारी टीम का मैच, ठीक है। अर्जेंटीना की मैच तो हो रहा है, पीछे कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन अपुन भी कमेंट्री करेगा आज के मैच में। ये है अर्जेंटीना की स्क्वाड और ये है शू की स्क्वाड, ये है एक्चुअली हमारी ड्रीम टीम, ठीक है। अर्जेंटीना की स्क्वाड वर्सेस शू की स्क्वाड और ये हमारे मैनेजर साहब और अर्जेंटीना के किक ऑफ किया है पैराडाइज को, पैराडाइज ने किक ऑफ किया गोमेज को, लुकाकू ने बॉल टैकल करके एक दी क्रूज को, लेकिन बॉल पड़ चुकी रेफरी को और ड्रॉप बॉल हो चुकी, क्रूज को मिली फ्री किक, क्रूज ने स्टर्लिंग को पास दिया, धीरे से स्टर्लिंग बॉल लेके आगे जा रहे, स्टर्लिंग धीरे से हालैंड को पास दिया और हालैंड ने शूट किया और हेडर मार के गोल, बहुत खतरनाक गोल मारा है हालैंड ने। एक बार इसका रिप्ले देख सकते हैं अपन, किस तरह स्टर्लिंग ने बॉल को पास करा था और हालैंड ने क्या हेडर मारा था, लंबी हाइट होने का फायदा हालैंड, लेकिन स्किल्स भी है बहुत बंदे में। चलो कोई ना, किक ऑफ कर रही है अर्जेंटीना फिर से, पैराडाइज को फिर से बॉल आई है, इस बार बॉल पास करी तकलेफियो को, तकलेफियो ने गोमेज को पास करी है, गोमेज से बॉल वापस पीछे गई है रोमेरो पे, रोमेरो से बॉल हालैंड ने छीन लिया और हालैंड बॉल लेके आगे भाग रहे हैं, क्या टैकल कर पाएगी अर्जेंटीना इस बॉल को, नहीं कर पाई अर्जेंटीना और हालैंड ने गोल मार दिया दूसरा, बहुत खतरनाक गोल मारा हालैंड ने, बहुत शानदार गोल मारा और देख लीजिए रिप्ले। चलो फिर से अर्जेंटीना किक ऑफ करते हुए पैराडाइज को, पैराडाइज ने तकलेफियो को फिर से करा, इस बार लुकाकू ने बॉल छीन ली है और फिर से पास दिए हालैंड को, हालैंड क्या करेंगे इस बार, हालैंड ने इसके बहुत शानदार स्किल दिखाई थी, लेकिन बॉल आ चुकी है मार्टिनेस के पास, मार्टिनेस ने शॉट पास किया रोमेरो पे, हालैंड फिर से उन पर टैकल कर रहे हैं, रोमेरो से बॉल छीन ली हालैंड ने, हालैंड बॉल लेके आगे जा रहे हैं लेकिन दीपाल ने बॉल छीन ली, पैराडाइज को पास करिए, हालैंड पैराडाइज के पीछे भाग रहे हैं, अब हालैंड तकलेफियो के पीछे भाग रहे हैं, तकलेफियो ने गोमेज को बॉल दी है, कैंसिल हो जैसे टैकल कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाए इन्होंने, बीच में मिडिल में बॉल पुश करी, क्रूज को दी थी, हकीमी भी टैकल कर लेंगे, नहीं कर पाए, हकीमी भी आगे पुश कर रहे थे, लेकिन मैसी ने कॉली वैली को, मार्टिनेस भी नहीं मार पाए, कॉली वैली उनका टैकल नहीं कर पाए, और जैन ऑब्लैक ने बॉल आगे लॉन्ग पास करके दी है और हालैंड को दी थी, हालैंड ने स्टर्लिंग को बॉल पास की है, स्टर्लिंग आगे ले जा रहे थे लेकिन नहीं ले जा पाए क्योंकि डिफेंडिंग बहुत शानदार है अर्जेंटीना की। लुकाकू को फिर से बॉल मिली है और इस बार क्या लुकाकू गोल मारेंगे, नहीं मार पाए लुकाकू गोल, क्योंकि डिफेंडिंग अर्जेंटीना की बहुत सही डिफेंडिंग है। 36 मिनट्स हो चुके हैं और अर्जेंटीना की एक भी गोल नहीं है और शू ने मार चुकी है दो गोल, क्या ये हालैंड का तीसरा गोल, और भाई हालैंड हैट्रिक, बहुत खतरनाक हैट्रिक मारी है हालैंड ने, हालैंड अपने फाइन फॉर्म में आज, इसलिए उन्होंने बहुत शानदार हैट्रिक मारी है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया शू भी बहुत बढ़िया खेल रही है, अर्जेंटीना तो बहुत अच्छी डिफेंडिंग करी पर हालैंड उनकी डिफेंस में से बॉल ले जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, डीपॉल के पास बॉल है, डीपॉल ने पैराडाइज को पास करी, पैराडाइज ने फिर आगे बॉल पास कर दी मार्टिनेस को, टैकल करने की कोशिश करी थी पर हुई नहीं लुकाकू द्वारा। इसी के साथ हाफ टाइम ख़त्म हो चुका और अर्जेंटीना लुटेरो मार्टिनेस को अंदर बुझा के पता नहीं किसको करा अंदर, और हम लोग भी इसी तरह अपनी टीम में करते, थोड़ा लुकाकू की जगह मारेस को डालेंगे अपन और किसको डाल सकते हैं, मेड्यूकी को डालेंगे हम स्टर्लिंग की जगह, हालैंड भाई पे ही खेलेंगे, और इस बार पास हुई बेराडी को, बेराडी ने दी मिलिशियाओ को खुली वाली पास, आई थी खुली वाली ने लॉन्ग पास करी, कैंसिलो, कैंसिलो पकड़ सकते हैं, बहुत शानदार कैंसिलो ने बचाई है गोल थ्रो इन होने से, कैंसिल मेड्यूकी ने बॉल बाहर गोल पे मारने की जगह बाहर मार दिया और गोल की खो गया, हर कोई हालैंड जैसा गोल तो नहीं कर सकता ना, वैसे ये बॉल तो शायद हालैंड को आनी थी पर मेड्यूकी के पास आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो मार्टिनेस ने फिर से बॉल पास करी है, इस बार हालैंड को बॉल पास हुई है और इस बार हालैंड ऑफसाइड गए थे हालैंड, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और इस बार खोली वैली को फिर बॉल पास आई, खोली वैली ने फिर आगे पास करी लेकिन हालैंड बॉल नहीं पकड़ पाए, रोमेरो के पास बॉल आ गई, ओटामेंडी ने पकड़ लिए बॉल को और टैकल करने गए थे बेराडी लेकिन पकड़ नहीं पाए, हकीमी बॉल दी मारिया पर घुस रहा है हकीमी और हकीमी ने बहुत शानदार टैकल करके कर ली, बेराडी को बॉल दी, बेराडी ने बॉल आगे पास कर दी है लेकिन कोरिया बीच में खड़े थे, कोरिया ने बॉल आगे ले जाया तो और फाइन टैकल, भाई क्या टैकल करा, शानदार टैकल था ये, गोमेज बॉल लेकर आगे जा रहे थे और गोमेज मारने के चक्कर में ब्लैक के हाथ में दी बॉल, बहुत शानदार गोमेज,
इब्लैक ने बॉल आगे पास कर दी और गोमेज हालैंड को दी थी, हालैंड ने महारेस को दी थी और महारेस पहले पकड़ पाए तो टैकल कर दिया और महारेस को इसकी वजह से मिल चुका है येलो कार्ड। कोई दिक्कत की बात नहीं है, येलो कार्ड भी कोई वो नहीं होता। अब बेराडी को पास करी, बेराडी ने क्रूज को दी, क्रूज आगे फेंक रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। मैसी के पैरों में बॉल आ चुकी है, मिलिशाओ ने टैकल कर लिए, मिलिशाओ ने हालैंड को दी, हालैंड ने मेड्यूकी को आगे पास करी, मेड्यूकी ने महारेस को आगे लॉन्ग शूट करा है और क्या महारेस इसे देना चाह रहे थे हालैंड को लेकिन नहीं दे पाए हालैंड। कोई बड़ी बात नहीं है, कोरिया बॉल आगे लेके जा रहे हैं, खुली वाली ने टैकल करा है, बहुत शानदार टैकल खुली वाली द्वारा। अब महारेस क्या कर सकते, क्या महारेस नहीं पकड़ पाए। महारेस उटामेंडी के पास बॉल आगे, उटामेंडी ने मार्टिनेस को पास कर दिया, मार्टिनेस ने मोलिना को टैकल करने जा रहे थे क्रूज लेकिन नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं है, हकीमी भी टैकल चूक गया, हकीमी का डिपॉल के पास बॉल आ गई, डिपॉल ने पास दे रहे थे लेकिन फाइन टैकल, बहुत शानदार टैकल। क्या ये बॉल महारेस पकड़ पाएंगे या फिर उटामेंडी, नहीं दो महारेस ने पकड़ ली बॉल, लेकर जा रहे हैं, कोई प्लेयर नहीं है। मेड्यूकी को बॉल पास करी, क्या करा ये लोगों ने, मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। फुल टाइम हो चुका है, मैच इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा इस चैनल पर, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना।